साल 2017 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को रिजाइन करना पड़ा था जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ रूलिंग दी। असल में बात क्या थी, 2016 के पनामा पेपर्स में वो फंस गए थे। हालांकि उनका खुद का नाम इन पेपर्स में नहीं आया, बल्कि उनके तीन बच्चों का नाम जरूर आया, इंक्लूडिंग उनकी बेटी मरियम नवाज। इसकी वजह से पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुए और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशन लगे। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और जो भी प्रॉपर्टीज यहां पर खरीदी गई हैं वो लेजिट तरीके से खरीदी गई। जब एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई इस पर जांच करने के लिए, तो उनकी बेटी मरियम नवाज ने कुछ पेपर वर्क सबमिट किया अपनी बेगुनाही प्रूफ करने के लिए। एक ट्रस्ट डीड की कॉपी जो उन्होंने कहा कि उन्होंने फरवरी 2006 को साइन करी थी। इस पेपर में बस एक प्रॉब्लम थी, जिस फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया था इस डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए वो था माइक्रोसॉफ्ट का फॉन्ट कैलिब्री, और ये फॉन्ट जनवरी 31, 2007 के बाद ही कमर्शियली रिलीज किया गया था। तो इन्वेस्टिगेशन टीम ने सिर्फ इस बेसिस पर कहा कि ये डॉक्यूमेंट फेक है और इसकी वजह से पाकिस्तान के पीएम की डाउनफॉल हो गई। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।